खबर। यहाँ पे एक जो NIOS की तरफ से जो PDF आया है उसको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे उस PDF में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लिखा है कि SCERT CG NIOS द्वारा संचालित डीलेट पाठ्यक्रम में 512 वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी हेतु संपर्क कक्षाएं आयोजित करने हेतु। तो ये जो नोटिस आई है ये छत्तीसगढ़ के NIOS का नोटिस है, मीन छत्तीसगढ़ के वालों के लिए है। तो यहाँ पे आप ये नोटिस आपको आपके रीजनल वेबसाइट में मिल जाएगा, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो देखिए जैसे इस स्टेट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे यह है कि यहाँ पे लिखा है, आपका देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन में, कि SCERT NIOS द्वारा दूरस्थ माध्यम से डीलेट की पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जहाँ पे WBA अर्थात वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी हेतु 12 संपर्क कक्षाओं का आयोजन किया जाना है। संपर्क कक्षाओं के संचालन हेतु क्या क्या निर्देश हैं तो यहाँ पे विस्तार में दिया गया है, तो आइए इन निर्देशों को समझते हैं। तो यहाँ पे संपर्क कक्षाओं का आयोजन दिनांक 1 मई से 12 मई के बीच में आपको किया जाएगा, जिसमें से मध्य 12 दिवस आपके होंगे आयोजित करेगा। यहाँ पे सेकंड जो है आपका, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार दूरस्थ अध्ययन केंद्र प्रभारी तिथियों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेट दी गई है तो 12 दिन आपको करना है, और वह 12 दिन आपके स्टडी सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वो 12 दिन 1 से 12 मई करना है या कि किन डेट में करना है। आपको 12 दिन संपर्क कक्षाएँ आयोजित करना है। परिवर्तन की स्थिति में अध्ययन केंद्र में अप्रशिक्षित शिक्षिका डाइट प्रचार जिला शिक्षा अधिकारी को समय पूर्व जानकारी देना सुनिश्चित करें, कि मीन्स आपको डाइट को, अपने डाइट प्रचार को आपको, या कि जिला अधिकारी को, जिला शिक्षा अधिकारी जो है आप उसको सुनिश्चित कर दें, मीन्स आपको उसको इन्फॉर्म कर देना होगा। यहाँ पे WBA 512 मीन्स वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी हेतु 501 502 503 और 504 तथा 505 विषय हेतु शोध व्यक्ति, शोध व्यक्ति में जो आपको पढ़ा रहे थे, जो आपको 501 502 या 503 एंड 504 505 इन सभी कोर्सों को जो आपको पढ़ा रहे थे उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा यह आपका को यह आपका जो वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी होगा उन्हीं लोगों के माध्यम से होगा। यहाँ पे WBA 512 हेतु अंग्रेजी माध्यम वाले अंग्रेजी में तथा हिंदी माध्यम वाले हिंदी में लिखें, हस्तलिखित सादे कागज़ में जमा करें। तो यहाँ पे आपको हैंड रिटेन आपको जमा करना है, और आप अपने हिसाब से भाषा प्रिफर कर सकते हैं आपके, यदि आप इंग्लिश में हैं तो आप इंग्लिश में, और यदि आपको हिंदी में आपको कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। यहाँ पे संपर्क कक्षाओं हेतु समय सारिणी जो है वो भी दे दी गई है, इसमें स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अध्ययन केंद्र प्रभारी परिवर्तन कर सकते हैं। तो मीन्स जैसे यदि अध्ययन केंद्र के मीन्स स्टडी कोऑर्डिनेटर को लगता है कि यह टाइम सही नहीं है तो वह अपने हिसाब से टाइम भी वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी 512 है तो संपर्क कक्षाएँ वरिष्ठ स्रोत व्यक्ति, मीन्स जो आपके टीचर होंगे जो आपको कोर्स पढ़ा रहे थे 501 502 503 504 और 505 के द्वारा ही किया जाएगा, वही लोग आपका वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी लेंगे और उन्हीं के द्वारा आपको यहाँ पे सब काम करना है। यहीं पे वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी 512 का मूल्यांकन वरिष्ठ स्रोत, मीन्स इसका जो मूल्यांकन होगा वही आपके जो आपको पढ़ा रहे थे, जो आपका स्कूल बेस्ड एक्टिविटी का जिन्होंने आपका लिया था वही यहाँ पे आपको मार्क्स देंगे और मूल्यांकन करेंगे। अध्ययन केंद्र प्रभारी में सुपरवाइजर के रूप में मूल्यांकन करेंगे। वर्कशॉप बेस्ड 512 जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई 2018 होगी। तो मींस आपको 12 दिन की कक्षाएं आयोजित करना है, और 1 से 15 के बीच में आप किसी दिन 12 दिन की आपकी कक्षाएं हो सकती हैं, और आपका आखिरी डेट जो है वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी जमा करने का वह 15 मई 2018 है। यहाँ पे परीक्षा में शामिल होने के लिए सेवारत शिक्षकों को वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी 512 के संपर्क कक्षाओं में 100% उपस्थिति अनिवार्य होगी। मीन्स यहाँ आपको यदि 12 दिन संपर्क कक्षाएँ होती हैं तो कुछ भी करके आपको 12 दिन संपर्क कक्षाएँ आपको यहाँ पे उपस्थित होना अनिवार्य रूप से है। यहाँ पे आपको अर्थात 12 संपर्क कक्षाओं में उपस्थित होना चाहिए। यहाँ पे आपको 12 सभी 12 संपर्क कक्षाओं में यहाँ पर आपको उपस्थित होना पड़ेगा। साथ में ये जो आपका वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी है, यहाँ पे पूरा वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी का दे दिया गया है कि किस हिसाब से आपको क्या क्या वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी में मिलेगा। तो यहाँ पे पूरी जानकारी वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी की दी गई है कि किस सेशन में आपका कौन सा वर्कशॉप एक्टिविटी होगा और किस सेशन में आपको कैसे इस एक्टिविटी को करना है। तो हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको यह PDF मिल जाएगा, तो यदि आप उसे पढ़ना चाहें तो इस PDF को आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको 512 वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी के बारे में जितने भी आपके डाउट्स हैं सब
क्लियर हो गए होंगे और सभी बातों का यहाँ पे आपको पता चल गया है कि आपको कब जमा करना है और कब इसकी आखिरी डेट है। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि आप किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद हमारा यह वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जितने भी हम आपको वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, देखते रहिए परिहार सॉफ्ट।